भाई इस साल तो क्रिकेट भी कैंसिल हो गया, अभी लॉकडाउन में क्या करेंगे? वही जो लास्ट ईयर किया था, नेटफ्लिक्स एंड चिल और भरो सब्सक्रिप्शन का बिल। भाई आपका तो वीडियो आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, उन लोगों ने आपको एक सब्सक्रिप्शन भी नहीं दिया। अबे ये नेटफ्लिक्स के पैर में और गुरुजी के पैर में कोई फर्क नहीं है, तू टेंशन क्यों लेता है? अभी पड़ोस के चिड़ान्ना को गोची देके बाटली में उतरता है देख। अयो प्रयास अन्ना कैसे याद किया जी? चिड़ा अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड तो बताना जरा। नहीं दूंगा जी। क्या बोला? मजनू वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर। अयो प्रयास अन्ना नहीं दूंगा पासवर्ड है जी। ओ अच्छा अच्छा, अभी आप अपने वाइफ का पासवर्ड बता दो जी। भाग के। अयो प्रयास अन्ना पासवर्ड तो बता दो जी। हाँ तो लेना, भाग के। भाई आप हरामी होते जा रहे हो। अबे वही तो पासवर्ड है वाईफाई का, उसको चार घंटे बाद समझेगा तब डालेगा। चल मैं चिवड़ा और कोकम शरबत लेके आता है, तू एसी लगा के घर ठंडा कर। और नागू हाँ सोता रहे, अच्छा है। शरबत आ गया, खाना आ गया, एसी लग गया, अभी हम लोग नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज देखेंगे, डार्क, जो मुझे बहुत दिनों से देखनी थी। हाँ भाई लाओ रिमोट दो। हाँ किधर गया? अबे रिमोट किधर गया? अबे किधर गया? इधर तो रखा था। मेरे को भी नहीं दिख रहा है भाई। तो नीचे उतरना। लग गए। अभी क्या अंताक्षरी खेलेगा पूरा लॉकडाउन? भाई सोफा के अंदर चेक किया? हाँ वहां जरूर मिलेगा, चेक कर चेक कर। अबे ये क्या था, सोफा के अंदर ब्लैक होल? भाई वो देखो, कोई तो उस गुफा के अंदर जा रहा है। साले रिमोट चोर, नहीं छोड़ूंगा इन्हें मैं। हाँ ये तो पप्पा की घड़ी है। भाई पप्पा नहीं सरकार जी बोलो। ए मंडू। हाँ भाई। कुछ नहीं चल अंदर जाते। भाई सरकार जी की घड़ी तो बगबेन क्लॉक टावर हो गई। ठीक है, नाम क्या है तुम्हारा? मैं जनेश खंडवेलकर। और मैं उल्रिच नीलेश। तभी सोचो गुफा में क्यों रहते हैं लोग। ए ए छोड़। ए छोड़ो। ए छोड़। कौन है तुम लोग? ए छोड़। भाई ये लोग कौन है? मुझे क्या पता, मेरे रिश्तेदार लगते हैं। कौन है तुम लोग और बगीपुर में क्या कर रहे हो? भाई मुझे लगता है ये सोफा के अंदर के खटमल है। चलो उन्हें सुल्तान के पास लेके जाते, इतना बड़ा खाना देख के खुश हो जाएंगे। हाँ चलो। भाई रिमोट के चक्कर में बिरयानी बनने वाली है हमारी आज। बादशाह खटमल चंद को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। कौन है ये लोग? हमें तो प्रवेश द्वार पे मिले, लेकिन है कौन ये लोग? घंटा घर के पास। अरे बेवड़िया है कौन ये लोग? भाई वो देखो अपना रिमोट। हम वो लोग हैं जिसका तू रिमोट चुरा के बैठा है सुल्तानी चोर। सुल्तान है सोफा के सामने, सोफा है सुल्तान की बेइज्जती। और तुम लोग पीला जैकेट क्यों पहने हो? इधर मुझे गर्मी लग रही है और ये लोग रेनकोट पहन के बैठे। हमारा स्टाइल है वो। साला आप उनको इग्नोर किया। सुल्तान मुझे लगता है ये सोफा के बाहर की दुनिया से आए। देखिए खटमल जी मैं क्या बोलता हूँ, आप हमारा रिमोट दे दीजिए, हम चले जाएंगे। रिमोट मतलब? वो क्या उधर है? असंभव, हमसे हमारा 15 साल पुराना ऊर्जा शक्ति पुंज छीनने की गुस्ताखी। केक खाने में डाल दो इन बहन के बगियों को। अबे 15 मिनट पहले मेरे पिछवाड़े के नीचे था तेरा शक्ति पुंज, 15 साल कैसे हो गए बे? अरे 15 साल पहले हमारे पूर्वजों को मिला था ये शक्ति पुंज, तब से ये पूरे बगीपुर को रोशनी देता आ रहा है, और तेरे पिछवाड़े को रोशनी की क्या जरूरत है? देख सुल्तानी कीड़े, वो कोई ऊर्जा शक्ति पुंज नहीं है, हमारे टीवी का रिमोट है, समझा? मैं क्या बोलता हूँ सुल्तान जी? हाँ बोलना। मांडवली कर लेते हैं ना, मैं आपको इससे अच्छा रिमोट सॉरी ऊर्जा शक्ति पुंज ला के दूंगा। मुझे जाने दीजिए, भाई को पकड़ो आप। ए क्या बोल रहा है? भाई आप टेंशन मत लो, मेरे पास प्लान है। ठीक है इसे कैद खाने में डाल दो और इसको छोड़ दो। मजनू वापस आएगा ना? भाई आपकी कसम जरूर वापस आऊंगा। अच्छा क्या? किधर गया? हाँ मिल गया। ए किधर जा रहा है? बगीपुर। अच्छा लेकिन ये किधर पड़ता है? किधर गया मजनू? जाने ना। साला ये रिमोट कैसे अचानक बड़ा हो गया? हम लेके जाएंगे, तू टेंशन मत ले। हाँ हट बाजू से। सुल्तान खटमल ये लीजिए आपके लिए एक नया शक्ति पुंज। हाँ सुल्तान अभी करता हूँ। ए इसको लेके आओ रे। ये ऊर्जा शक्ति पुंज का बिजनेस करता है तू? हाँ दुनिया के सारे खटमल मेरे से ही लेके जाते। नंबर तो बता, तेरा 3-4 ऑर्डर भेज देता हूँ। हाँ लिखो ना, 9494494499। 9494494। ए हो गया क्या? हाँ सुल्तान ये तो परफेक्ट चल रहा है। ये लेके आओ रे उस इंसानी कीड़े को। ये लो तुम्हारा शक्ति पुंज, और अभी तुम जा सकते हो। वो जेल में खटमल बहुत हो गए। क्या बोला? कुछ नहीं जा रहे। अरे ये चल क्यों नहीं रहा है? भाई ये तो हमारा पुराना टीवी का रिमोट है, वो 2006 का एंटीना वाला,
इसका मतलब ये सच में 2006 में मिला था उनको। भाई ये तो डाक की तरह हो गया, हम लोग 15 साल आगे गए, रिमोट 15 साल पीछे का है। तूने वेब सीरीज देखा है? हाँ। तो स्पॉइलर क्यों दे रहा है भौंके? अभी रिमोट कहाँ से मिलेगा? चालू कैसे हो गया? पता नहीं भाई, मैंने तो बटन दबा। भाई भाई भाई, अबे कौन सा कुत्ता भौंक रहा है बे? चिल्ला क्यों रहा है तू? भाई वो देखो रिमोट नागू के नीचे। रिमोट चाहिए तो पहले बोलता, चिल्ला क्यों रहा है? ये ले, बगल में छोरा और बगीपुर में ढिंडोरा, इधर ला रिमोट और एसी चालू कर। गर्मी हो रही है कितनी। भाई एसी का रिमोट नहीं है। क्यों? अभी ये मत बोलना तू एसी का रिमोट दे के आया उनको। हाँ भाई। सत्यानाश, अभी ये गर्मी में लॉकडाउन कैसे निकालेगा? रिमोट वाले का दुकान भी बंद है। चल पंखा चला, मैं शो लगाता हूँ।